दोस्तों आज हम कम अंडे में पूरे परिवार के लिए अंडा करी बनाना बताएंगे। क्या होता है कि हमारे घर में कभी कभी अंडा कम रहता है और हमें लगता है कि अब कैसे बनाएं, पूरे परिवार के लिए भी बनाना होता है। तो ये अंडा करी आप बनाना एक बार सीख जाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। इतना टेस्टी, इतना लजीज कि आप बार बार इसे ही बनाएंगे। मेरा यकीन मानिए, आप एक बार इसे बना लिए तो आपके घर में सभी इसी तरीके से बनाने का डिमांड करेंगे। और ये बनाने में बहुत आसान है दोस्तों, और कम अंडे में पूरे परिवार के लिए भरपूर अंडा करी आप बना सकते हैं। तो देखिए, हमने इधर 5 अंडा लिया है, ये कच्चे हैं अंडे। और जो इसमें हमने मसाला यूज किया है उसे भी हम बता देते हैं। तो देखिए, हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इधर हमने कुछ लहसुन कलियां लिया है, 4-5 हरी मिर्च, और इधर हमने लिया है 1 चम्मच गोलकी, और इधर जीरा 1 चम्मच, और साबुत धनिया भी लिया है 1 चम्मच। इन सभी को हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। और इधर देखिए, हमने लिया है 2 बड़े साइज का आलू और इसे रफली चॉप कर लिया है, इसे भी हम मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे हम। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा टेस्टी रेसिपी सीखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मैं इसी तरह की रेसिपी लेकर आती रहती हूँ जो टेस्टी और आसान हो, तो आप सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, एक बर्तन हमने लिया है, इसमें हमने सभी अंडों को तोड़ना है हमें। तो देखिए, हमने सभी अंडों को इसमें तोड़ लिया। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है आलू का, उसे हम डाल देंगे। और जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया है उसे भी हम 1 चम्मच डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमने लिया है, और इधर हम डालेंगे कुछ कटे हुए प्याज, और 1/2 छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे, कुछ हरी मिर्च भी डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें खूब ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है, बस इसमें जो नमक मसाले हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जितना ही हमें मिक्स करना है। तो देखिए, तैयार हो चुका है, मिक्स कर लिया हमने। इधर हमने गैस के ऊपर रखा है अप्पम मोल्ड, अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप तवा का भी यूज कर सकते हैं, उस पर छोटे छोटे बना सकते हैं। तो इसमें हम ऑयल लगा लिए हैं, अब हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे। और गैस का हम फ्लेम धीमी ही रखेंगे। इसी तरह सभी को हमने डाल लिया। अब इसे हम ढक कर छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। इसी तरीके से हमने सभी को पलटना है। तो देखिए, हमने सभी को अच्छे से पलट कर सेक लिया है, इससे ज़्यादा सेकने में टाइम नहीं लगता है। तो इधर हमने गैस के ऊपर रखा है एक कढ़ाई, उसमें हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और कुछ जीरा डालेंगे, और थोड़े से कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। और इसका कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे। तो देखिए, तैयार हो चुका है, इतना ही हमें भुनना है। अब इसमें हम सारे मसाले को डाल देंगे। और थोड़ा सा जो मसाला हमने रखा था उसमें पानी डालकर हम उसको भी डाल देंगे, उसे वेस्ट नहीं करेंगे। और 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो देखिए, हमने अच्छे से इसे भुना है धीमी आंच पर। अब इसमें हम टमाटर का प्यूरी डालेंगे, 2 बड़े साइज का टमाटर को हमने पीस लिया है, इसे भी डाल देंगे, और धीमी आंच पर ही हमें भुनना है इसे भी।
अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक हमने एक चम्मच डाला है। दोस्तों आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। याद रहे कि पहले अंडे में भी हमने नमक का यूज किया है। इसे ढक कर हम पकाएंगे। तो देखिए अच्छे से हमने इसे भून लिया है। पूरा तेल ऊपर तक आ चुका है, तेल छोड़ रहा है ये। और अच्छे से इसे हमने लाल करके भुना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो देखिए एक कप हम पानी डाले हैं और ये दूसरा कप। दोस्तों आपको जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना ही आप पानी डालें, अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब इसमें हम कुछ कटी हुई मिर्ची है जिसे हमने बीच से चीरा लगाया है, उसे डाल देंगे। कुछ कटी हुई धनिया पत्ती भी डालेंगे और इसे एक उबाल आने तक हम ढक देंगे। तो दोस्तों देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें सभी अंडे को डाल देंगे। दोस्तों क्या आप पहले इस तरीके से बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। दोस्तों मुझे आपका कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, आप मुझे ज़रूर बताना। अब इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और गैस का फ्लेम धीमी करके हम छोड़ेंगे थोड़ा देर के लिए ढककर। तो देखिए दोस्तों ये तैयार हो चुका है। इसमें हम ऊपर से धनिया पत्ती भी डाल देंगे। हमें इतना ही रखना है इसे ग्रेवी को। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना टेस्टी हमारा अंडा करी बनकर तैयार हो चुका है, वो भी बिल्कुल कम अंडे से। हमने पूरे परिवार के लिए इतना टेस्टी लजीज अंडा करी बनाकर तैयार किया है। तो देखिए इसे हम काट कर दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है। दोस्तों आप एक बार इसे ज़रूर बनाना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मेहमानों को भी आप इस तरीके से बनाकर खिला सकते हैं। तो दोस्तों इसे चावल या रोटी किसी के साथ भी आप खाइए, नान रोटी या कुछ भी किसी के साथ भी आप खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट के जरिए ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।